वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बस शर्ट निकालने का मौका दिया हमारे भाइयों ने तो माशाल्लाह, निकाल ली। क्या बात है सर। और मुबारक आपको, पूरे पैनल को और जितने भी लोग देख रहे हैं टीवी पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरह से आज का दिन गुजरा है मुश्किल था, थोड़ा बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। जैसे भी पहुंचे, सेमीफाइनल पहुंचे। और तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा यार, आज का दिन मैं बोलूंगा पाकिस्तान के लिए बहुत लकी रही। आप समझ सकते हो, नीदरलैंड जैसी टीम अगर साउथ अफ्रीका को हराती है तो फिर ऑब्वियसली यार बहुत लकी टीम हो आप। और पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ, अब इस वर्ल्ड कप की सबसे डेंजरस टीम है, आप माने ना माने। ये इनका दिन रहेगा ना तो ये किसी भी टीम को हरा सकती है, ऐसा नहीं। अब टॉप चार टीम आपको पता है, इंडिया का इंग्लैंड से, पाकिस्तान का है न्यूजीलैंड से। अभी हाल फिलहाल का फॉर्म देखें तो न्यूजीलैंड बेटर टीम है, तभी वो वहां पर नंबर वन है। इंग्लैंड का हाल फिलहाल का फॉर्म देखें, अगर उनके बैट्समैन को ना देखें तो इंग्लैंड एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड कमजोर टीम है। तो हम भिड़ेंगे नंबर टू से, पाकिस्तान भिड़ेगा नंबर वन से। तो दोस्तों, मैच है इंडिया का 10 को, आपको पता है 13 को है फाइनल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है, अब ये तो पता चलेगा बाद में। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कि अदर ने जैसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही रिवर्स स्विंग आज जो हुआ है ना, ऐसे रिवर्स स्विंग अभी तक नहीं हुआ। धूप थी, दोपहर में मैच था, और बड़ा यूटिलाइज किया सारे बॉलर्स ने हमारे रिवर्स स्विंग को। आई थिंक यही हमारी की हो सकती है आगे जाके भी। यही हमारी की हो सकती है आगे जाके। अजय भाई, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जबरदस्त मैच था। आई थिंक बॉलिंग अगर आप बात करें, शहीन शाह, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अंडर कुक था इस टूर्नामेंट से पहले। आप देखा कि उसको टाइम मिल रहा है, वापस वो आ रहे हैं, बॉलिंग उनकी बेहतर से बेहतर हो ही जा रही है। इतनी आज तेज बॉलिंग नहीं की, लेकिन कंट्रोल बहुत बेहतर था। अर्ली ऑन जो है ना, अर्ली विकेट जो मिला, पहला विकेट उनको मिला, वो इंपॉर्टेंट विकेट था। एंड उसके बाद जो लेटर हाफ में जिस तरह आई थिंक नसीम ने बॉलिंग की, जिस तरह सारे बॉलर ने, हारिस, नसीम एंड देन शदाब का जो है वो, आई थिंक वो थोड़ा सा एक वो ट्विटर पे चल रहा है कि काफी वो लकी डिसीजन हमारे लिए था, विच वी कैन टेक इट एनी डे। यस, अंपायर, थर्ड अंपायर ने वो किया, टेक्नोलॉजी के होने के साथ उसने वो डिसीजन किया। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, समटाइम इज गोज इन योर फेवर, समटाइम इज गोज टू अदर। और सबसे सबसे जो खुशायन बात है कि जो दोनों बंदों ने बात की, राशिद भाई ने भी की, लांस ने भी की, कि हमारे बैटर्स ने जो रन नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा टाइम मिला। गो के थोड़ा सा स्लो थे जो सिचुएशन के हिसाब से, आएंगे उस तरफ आएंगे, लेकिन अभी लेकिन पॉजिटिव, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको टाइम मिला। अभी आप देखें कि आपकी आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर आप पॉजिटिव देखें ना, तो उसमें सब लोगों को विकेट पे थोड़ा थोड़ा टाइम मिला है। किसी ना किसी मैच में इफ्तिखार की बारी आई, शान की बारी आई, हारिफ आई थिंक आउटस्टैंडिंग, दोनों गेमों में वो आउटस्टैंडिंग खेला है। उसने जैसे आज आके मोमेंटम चेंज किया फ्रॉम द बॉल वन, वो वहां पे मोमेंटम चेंज हुआ है। एंड देन आई थिंक शान मसूद, जितना क्रेडिट उसको दिया जाए, जिस तरह आके उसने अटैक किया है कि लेफ्ट हैंडर था, जिस तरह उसने अटैक किया रनिंग बिटवीन द विकेट, और वो दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट आई थिंक वहां अगर आप देखें तो वो इंटेंट की बात थी, वो जो इंटेंट नजर आया, आउटस्टैंडिंग। हम आपको वो विनिंग मोमेंट्स दिखाना चाहते हैं, फिर उसके बाद आएंगे जरा चीफ सिलेक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। आए जी, जरा एक दफा फिर से चीफ सिलेक्टर सिटिंग अवे हियर इनसाइड द पीडीपी स्पोर्ट्स स्टूडियोज। जी वसीम भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, ये तस्कीन आपके चेहरे पर देख के बहुत खुशी हो रही है। हो सकता है पिछले बहुत सारे दिन आपके लिए परेशान कुन भी गुजरे हो, कैसा महसूस करें सबसे पहले, और आज क्या पॉजिटिव्स है हमारी टीम के लिए गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स? देखो, डेफिनेटली खुशी का दिन तो है, और जिस तरीके से कम बैक किया पाकिस्तान टीम ने, आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी वॉज द नेदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका मैच वॉज बिफोर अवर मैच। ट्रू। सो आफ्टर दैट यू नो पिक्चर आपकी क्लियर होगी सामने कि आप, आपके पास एक ओपन चांस आ गया है। और उसके बाद फिर इस पिच के ऊपर चेजिंग वॉज नॉट ईजी। पहले मैच में हमने देखा साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल की है, तो थोड़ा सा कंसर्न था जब यू नो के जब बांग्लादेश की पहले बैटिंग आई, तो उस टाइम लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा हमें टारगेट उतना बड़ा ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर, जैसे अजहरुल का जिस तरह बॉलिंग की है, पिच को देखते हुए, कंडीशंस को रीड करते हुए, क्योंकि उनके लेफ्ट हैंडर्स उनके पास काफ़ी थे, तो काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे बॉलर्स के पास। लेकिन जिस तरीके से पिच को यूज़ किया, फील्डिंग में भी मैं क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से आज लड़कों ने फील्डिंग भी की है, तो वो जो जज्बा था ना कि आपके सामने केक आ गया जी कि हम खा सकते हैं, इसको हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, तो वो जो स्पिरिट था वो हमें नजर आया ऑन द फील्ड भी। उसके बाद जो जिस तरह चेज भी हमने किया, जिस तरह स्पेशली हमने फिनिश किया है, तो अच्छी चीज़ है कि हर मैच के अंदर आपको डिफरेंट, आपको
सॉर्ट ऑफ मैच विनर्स नजर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है, स्पेशली बैटिंग के अंदर भी, कि जो कि एक चीज थी कि शायद पास में थोड़ी सी जिसकी कमी नजर आती थी कि लड़के अब चिप इन कर रहे हैं, चाहे वो हारिस है, चाहे शान है, इफ्तिखार को भी हमने देखा है, तो वेरी प्लीजिंग के राइट मोमेंट पे हमने पीक स्टार्ट करना शुरू किया और आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजिशन टू गो इन टू द सेमीफाइनल्स। एग्जैक्टली, और बिल्कुल इस चीज का क्रेडिट जाता है मैं, लेकिन एक और चीज का यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि आपने बात की आई थिंक पाकिस्तान थ्री डायमेंशन, अगर हम तीनों का जिक्र करते हैं, उसमें जो इस मैच से पहले हमारी एफिशिएंसी थी, वी वर रैंक एट नंबर थ्री विद 80% एफिशिएंसी, वी ओनली ड्रॉप फोर कैचेस आउट ऑफ द टोटल 20, वी गॉट 16 एज वेल। लेकिन मैं एक और चीज वसीम भाई आपसे पूछना चाहता हूं, जो शायद पूरा पाकिस्तान है, कि जैसे अजहर भाई ने भी कहा, राशि भाई जिक्र किया, हम थोड़े से अंडर कुक थे गोइंग इन टू दिस वर्ल्ड कप, और मिडिल ऑर्डर को लेकर हमारे हम बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव भी थे, हम एंक्शियस भी थे कि शायद मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप में जाते साथ ही इट वॉज दी अदर वे अराउंड, जहां पर हमारा टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर पाया, और अगर आज भी हम बात करते हैं तो आई थिंक वी हैड अ स्लोअर स्टार्ट, और ये स्लो स्टार्ट एक तरीका बनता जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अगर हम पहले छह ओवर्स की बात करें तो 45 में से गालिबन जो पहली 45 गेंदें उनमें से 22 डॉट बॉल्स थी। आपको लगता है कि इस इंटेंट को चेंज करने की जरूरत है, या वी प्ले टैक्टिकली, और आपको लगता है कि कोई टैक्टिकल एरर नहीं था आज गेम के अंदर? देखिए वो तो सिचुएशनल है ना, जो डिमांड आपकी सिचुएशन कर रही है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर चेजिंग 130 ऑन द बोर्ड, ऑब्वियसली यू कैन प्लान अराउंड इट। ऑब्वियसली अगर आप चेज 170-180 कर रहे होते तो आपको वो डिफरेंट आपको पावर प्ले का इंटेंट भी नजर आता। तो आई थिंक आज का जो था हमारा एक वो अच्छा प्लान किया हुआ था, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट किया, क्योंकि कीपिंग विकेट्स इन हैंड वॉज द की टुडे, और बाद में हमने देखा भी कि वो काम भी है हमारी चीज़। तो आई थिंक के पिच को देखते हुए, आज के मैच का सिनारियो देखते हुए, तो आज जो स्ट्रेटजी आपको ये बिल्कुल ठीक नजर आई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इंटेंट वाली, आई थिंक दैट्स मोर सिचुएशनल। ओके, क्योंकि देखिए अगर आपने फील्डिंग की भी बात की है तो मोर लेस एवरीबॉडी इज ड्रॉपिंग कैचेस, ऑल द टॉप फील्डर्स दे हैव ड्रॉपिंग कैचेस इन दिस वर्ल्ड कप, सो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान प्रॉब्लम। और इसी तरह पावर प्ले की भी आप जो बात कर रहे हैं, तो एवरेज पावर प्ले इज नॉट मैसिव इवन इन दिस वर्ल्ड कप, यू नो अभी भी आपको वही 45-50 के अराउंड ही आपको एवरेज वो नजर आएगी। तो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द सिचुएशनल, कि सिचुएशन की डिमांड क्या है वहाँ पे, तो उस हिसाब से खेलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारा मिडिल ऑर्डर लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल गिव, आई थिंक आइडियल सिनारियो में गोइंग इन टू द बिगर मैच दैट विल गिव एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू अवर टॉप बैटर्स ऑल्सो। फिर आप जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं पावर प्ले की, दैट विल गिव कपल ऑफ विकेट्स, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई थिंक दैट वाज द की टू कीप विकेट्स इन हैंड, स्पेशली विद द न्यू बॉल and the top bowlers were bowling in the power play, so I think they were waiting for the spinners to come in, and you know then we saw the sweep shots from the Rizwan, so it looked like a good plan. Wonderful. It also helped as well that to restrict Bangladesh to under 130, that when you got into the power play you didn't have to go hammer and tongs, you could actually just trust both the openers to be able to set a good platform. And that again down to the bowlers and how well Shadab and Shaheen Shah Afridi went with the ball. Yeah, I think they've been amazing, and especially Shaheen. I was very happy today to see him like getting back into the rhythm. Obviously, we're hoping that he will get a bit more pace in the semi-finals, coming to the semi-finals. But he's moving the ball, so I think he's coming back into the groove. So, are they starting to suit the subcontinent teams as we get, you know, deeper into the competition? But I thought Shaheen was fantastic today. The ball reversed a little bit as well today, so that's interesting in 20 overs. I told you, the wicket might have been a little rough. I told you guys, I called it 2 days before, you know, like on this ground, you know, when the pitch is dry and, you know, the sun is out and you can get reverse swing. And we saw the second wicket when he got it, coming round the stumps, you know, and angling in. And you can see towards the end, the ball slightly tail away from the bat. The brilliant delivery. And you know what's extremely, extremely rough is that, you know those lights around the side of the field as well? Ball's that tough. Is very, very rough, and the ball hits that. Umpires don't necessarily check the ball after that. They always check it when it goes into the stands. Yeah. But those lights that we see with the advertising, that, you know, couple on the right side there. Well, maybe that's the trick. Ball a few half volleys and it's been there for a long time. Yeah, for everybody. You know, it's been there for everybody. Yes. राशि भाई जी भाई, वैसे व्हाइट बॉल जब कीपिंग कर, अपने बताऊँ मैं करते हुए व्हाइट बॉल का पता नहीं चलता किस तरफ जा रही है, लेकिन इस व्हाइट बॉल का पता चला कि वो मार्क नजर आ रहे थे उसके ऊपर स्विंग होने के बाद। आपको मार्क नजर नहीं आने चाहिए, ये कंसर्न है वैसे। वो अगर आप देखें, मेरे ख्याल इस पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं नजर आने चाहिए। नहीं, एक मिनट, ब्रेक से जाने से पहले हम हमारे लाइव नहीं जा रहे जी।
अगर आप देखें जो लिटल ने भी बॉल किया ना उस पर भी स्कफ नजर आ रहे थे। ये जो बॉल लगता है साइड पे क्रॉस सीम पे या आप थ्रो करते हैं, एलईडी जो बाहर लगी हुई है, हाँ जी यही तो पूछना चाह रहा था, तो वो उस पे बॉल आपका स्कफ हो जाता है। राशि भाई उन दिनों ना एचडी कैमरास भी नहीं होते थे जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं ना, तो अब जरा क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम नाउ फॉर अस टू गो एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। Our amazing chief selector has joined us today and we will take certainly good. After a really tough campaign, Pakistan are through to the semi-finals. They face New Zealand in Sydney. I'm backing them to win because I think that Sydney surface is really going to suit Pakistan. And then, of course, we've got England versus India in the second semi-final on the 10th of November. That's in Adelaide. That's a hard one to call, isn't it? Because everyone says India is the team to beat. England, could they be coming good at the right time? What's your thoughts on that? I think with India, obviously, you know, we have we have that extra edge we got in the Asia Cup, and I think that's something which we really need to kind of reflect upon, you know, going into the finals if it is for Pakistan. Yes, Shaheen Shah Afridi, did you hear what he said? No, I'm not interested in semi-finals. I'm thinking about the final. Yeah, that's exactly what I'm saying, and yeah, I think it's going to be a good competition in between England and India, because I certainly want to see how Indian. Openers are actually going to face the pace of the England Express, yeah. You know, so I think that's something which will be interesting. But for now, you know, I want to come back to where we said that the first segment obviously is for all the positives we have seen today. Thank you very much, Netherlands, for in the first place. Netherlands ko main bahut zyada shukar guzar hu dil ki be intaha gehraiyon se ki unhone aaj ye match jeet kar Pakistan ko wo mauka diya जो पाकिस्तान खुद से तो शायद गवा चुका था। मेरे ख्याल है थोड़ी रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहता हूं मैं राशि भाई की तरफ बढ़ना चाहूंगा। राशि भाई माजिद के साथ लेकिन देखिए हम पूरा तकरीबन पिछले 7 साल से मेरा और आपका ये सफर चलता रहा है, वसीम भाई भी उसका हिस्सा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में आते भी रहे जाते भी रहे। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि ओरिजिनली जो हमारी सिलेक्शन हुई थी, अगर हम मिडिल ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं माजिद के साथ, तो वो हमने हैदर अली को रखा था जहन में, हमने आसिफ अली को जहन में रखा था, हमने खुशदिल को जहन में रखा था, लेकिन जो हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि वो तीनों ही उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के ऊपर नहीं उतर पाए, मुझे नहीं समझ लगी कि क्यों उनको सिलेक्ट किया गया। मैं सिलेक्टर सामने बैठे हुए जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन आपकी राय सबसे पहले लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो हमने सिलेक्ट किया था और जिन्होंने परफॉर्म किया तजाद है दोनों में, दो प्लेयर की जो प्ले थे नंबर 3 नंबर 4 इंग्लैंड के खिलाफ जब सिलेक्ट हुए थे हैदर एंड शान मसूद, वो रिप्लेस एक तरह से किया था, वो फखर जमान को किया था। अगर फखर जमान होते तो मे भी हैदर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन मिली, उनको भी बॉल लग गया था नहीं खेले। भाई शान ने थोड़ा बहुत ग्रैब किया, जो मीनिंग खेली शान ने उसको उसने लिया, नंबर 4 भी खेले उसमें भी रन किए, पाकिस्तान हारा भी, लेकिन मुसलसल उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ना वो एवरेज से अबव रही है, लेकिन आज और कुछ मैचेज में अगर देखें तो वो बेहतर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। शुरू में पाकिस्तान हारी भी लेकिन उन्होंने अपनी जगह को सर्टिफाई किया है। वो मिडिल ऑर्डर वाकई में नहीं है जैसे खुशदील शाह की आपने बात की या आसिफ अली की बात की या हैदर अली की बात की, वो प्लेयर्स नहीं है, लेकिन यही टीम के मैनेजमेंट का या कैप्टन का कमाल होता है कि वो किस तरह से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट चेंज करता है। आ गया ना वहीं पे बात, यही कमाल था ना कि आपको चेस खेल रहे हो, आप कहीं हार रहे हो तो अपनी गोटियां कैसे इस्तेमाल, गोटियां आप इधर से उधर करते हो। तो मैं उनको जो प्लानर है स्ट्रेटेजी बनाई है, चाहे वो सकलैन है, यूसुफ है, टेट है या मैथ्यू हेडन है, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेस किया अपने प्लेयर्स को, तो क्रेडिट जाता है। जहाँ पे हम बुरी परफॉर्मेंसेज के ऊपर, बुरी सिलेक्शन के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ पे जब जीत गए तो आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, लेकिन जीत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उन मतलब इसमें आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपके बात है कि मतलब ये नहीं है, ये हमेशा होती है, लेकिन ये छोटा टूर्नामेंट है। छोटा टूर्नामेंट मतलब टाइम के लिहाज से, ये साल की बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही, इसमें अप एंड डाउन आएंगे। आप तो टूर्नामेंट वो जीतते हैं जो 5-6 मैच लगातार जीत जाते हैं, लेकिन ये इवेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे यहाँ छोटी टीम भी तगड़ी आ रही है, जिम्बाब्वे ने अपसेट किया बहुत बड़ा, ठीक है, आयरलैंड ने अपसेट किया इंग्लैंड के खिलाफ, नेदरलैंड ने अपसेट किया, अफगानिस्तान अपसेट करने जा रहा था। तो अब T20 जो छोटा शॉर्ट फॉर्मेट है ना, इतना ईजी रहा नहीं। एक तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से रिएक्शन दिया जा रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक्सपर्ट हो, पाकिस्तानी हो, उनके लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि यार पाकिस्तान के लिए ये जो वर्ल्ड कप जा रहा था बहुत बुरा जा रहा था। इंडिया से वो हारे,
कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के हारने के बाद क्या हुआ, वो इंडिया टीम को सपोर्ट करने लगे साउथ अफ्रीका की मैच के खिलाफ, कि वो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका किसी तरीके से ये मैच हार जाए, भारत जीत जाए। लेकिन वो मैच आपको याद है, भारत हार गया। उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान उसके पहले जिम्बाब्वे से हार चुकी थी, जो कि शायद पाकिस्तान का अभी 20-30 साल की करंट हिस्ट्री वर्ल्ड कप का सबसे ख़राब मैच था। हालांकि उसके पहले मेरे हिसाब से 2007 में तो जो आयरलैंड से आ रही थी उसके बाद ये सबसे ख़राब मैच रहा होगा। तो ये जो था जिम्बाब्वे के खिलाफ एक रन की हार, वो इंडिया से भी बड़ी हार थी। फिर पाकिस्तान कितने आसानी से नीदरलैंड को हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ यार 43-4 पाकिस्तान के विकेट, और इफ्तिकार अहमद जो पाकिस्तान के बेसिकली अभी मेरे हिसाब से करंट सबसे अच्छे बैट्समैन है वर्ल्ड कप में, उन्होंने क्या इनिंग खेली। और उसके साथ शादाब खान नवाज ने गजब का सपोर्ट दिया, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग ले गई साउथ अफ्रीका को। डगवर्ट लुइस वो वैसे भी मैच हार गए थे स्टार्ट में ही, टॉप ऑर्डर जब आउट हुआ था। फिर बांग्लादेश को हराना था, उन्होंने हरा दिया। आज पाकिस्तान क्वालिफाई, न्यूजीलैंड से खेलेगी, भारत खेलेगा इंग्लैंड से। एज कम्पेयर टू इंग्लैंड न्यूजीलैंड, भारत के लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड अभी आसान टीम है, बट प्लेयर उसके बड़े हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का अगर मैच होता तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज ये रहता कि पाकिस्तान इंग्लैंड से अभी 7 मैच की सीरीज खेल कर आ रहा है और सीरीज हार कर आ रहा है, तो शायद पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खुश रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान उनके घर में एक 3 टीमों वाली सीरीज खेल कर आ रहा है और जीत कर आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो न्यूजीलैंड से भिड़ रहे हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान बहुत लकी टीम है, और अब यहाँ पर लक ही चाहिए, 2 मैच जीतो वर्ल्ड कप आपका। ऐसे ही कुछ इंडिया के साथ सीन है, 2 मैच जीतो वर्ल्ड कप आपका। इंग्लैंड के साथ ये है कि इंग्लैंड बड़े मैच में चोक करता हुआ आया है, लास्ट ईयर भी सेमीफाइनलिस्ट था, न्यूजीलैंड से हारा था, इस बार इंडिया से हारेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैं तो देख रहा हूँ फाइनल, और फाइनल जीत रहा है इंडिया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि यार रोहित शर्मा चल जाए यार, उनका बैट नहीं चल रहा है सीरियसली। ये आने वाले 2 मैच में अगर वो चल गए तो उनका जो बुरा इस वर्ल्ड कप जा रहा है वो बिल्कुल याद नहीं रखा जाएगा। 2 मैच में से एक में भी अगर वो फाइनल में शतक मारते हैं सेमीफाइनल में तो वो याद रखा जाएगा, लेकिन दोनों मैच जीतने चाहिए इंडिया को। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।